शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर किए आरोप काफी गंभीर है। इस कारण इन आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आज सुबह 11 बजे भाजपाइयों ने राजकमल चौक पर निदर्शन आंदोलन करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करते हुए काफी देर तक चौक पर नारेबाजी की। इस समय पुलिस ने आंदोलनकारी भाजपा पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस मुख्यालय में ले जाकर काफी देर तक रखा गया। हिरासत में लिए गए भाजपा पदाधिकारियों में अमरावती शहर भाजपा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आघाड़ी समेत विभिन्न भाजपा इकाइयों के सदस्य उपस्थित थे। सरकार या सरकार ने ताबड़तोब जर का थोड़ी सी लाज शरम असल, थोड़ा सा जरी मनाला काही वाटत असल तो या सरकार ने ताबड़तोब पाय उतार झाला पाहिजे। भारतीय जनता पक्ष फक्त त्यांना आठवण करून देते की तुमच्या सारख्या खंडणी खोरामुळे महाराष्ट्राचं नाव बदनाम होऊन राहिलंय, महाराष्ट्राच्या पोलिसांचं नाव बदनाम होऊन राहिलंय आणि त्याच्यामुळे एक मिनिटही यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही हे फक्त आज आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून सांगतो। विद्यार्थियों के हंगामे के बाद इससे पहले 5 बार स्थगित की गई एमपीएससी की परीक्षा आज सुबह अमरावती शहर के सभी 36 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई गई। अमरावती जिला प्रशासन ने कोरोना की पृष्ठभूमि पर एमपीएससी की यह परीक्षा कोरोना मुक्त निपटाने के उद्देश्य से काफ़ी प्रयास किए और परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार से लेकर तो परीक्षा रूम तक विद्यार्थियों की जगह जगह चेकिंग की जा रही थी। विद्यार्थी परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश करते ही मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी की गई। उसके बाद सभी को थर्मल गन से चेक करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। हर परीक्षा केंद्र के सभी कक्षों को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उन पर नियंत्रण रखने परीक्षा केंद्र के एक रूम को कंट्रोल रूम बनाया गया था। इस तरह आज सुबह 10 बजे से 2 सत्र में एमपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई गई। दिवंगत साहित्यिक सतेश्वर मोरे ने अपने साहित्य से समता, न्याय, मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पुरस्कार करते हुए आंबेडकरी साहित्य आंदोलन को आगे बढ़ाया और युवाओं में अन्याय के खिलाफ लड़ने का उत्साह जगाया। वे सही मायने में लड़वइये व कृतिशील साहित्यिक थे। उनका विचार आगामी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इन शब्दों में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री एड यशोमती ठाकुर ने दिवंगत मोरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। पालक मंत्री ठाकुर ने आज दिवंगत मोरे के घर पर सांत्वना भेंट देकर उनके परिवार की सांत्वना की। अमरावती जिला प्रशासन द्वारा शहर में लगाए गए लॉकडाउन में 1 घंटे की ढिलाई बरतने के बाद आज तीसरे दिन ही फिर कोरोना बाधितों का आंकड़ा बढ़ते नजर आ गया है। अमरावती शहर में 457 कोरोना बाधितों की नोंद की गई है। इसके साथ ही कोरोना से 6 मरीजों की मृत्यु होने की नोंद जिला स्वास्थ्य विभाग ने दी है। अब अमरावती में कोरोना बाधितों का आंकड़ा 50,000 को छूने के करीब पहुंच रहा है। आज तक अमरावती में कुल 45,395 कोरोना बाधितों की नोंद की गई है। वर्धा की एक कोरोना बाधित महिला में कोरोना का नया स्ट्रेन यह ब्रिटेन का रहने के बाद पुणे के राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला ने भेजी रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है। इस महिला का नागपुर सफर का इतिहास है। पश्चात उसे कोरोना की बाधा हुई किंतु नागपुर से भेजी गई सैंपल की रिपोर्ट एनआईवी की ओर से अभी तक प्राप्त न होने से नागपुर की स्ट्रेन बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता। कल शनिवार को लगातार दूसरे दिन अचलपुर, चांदूर बाजार तहसील के कुछ गाँवों में तूफानी बारिश ने दोनों तहसील के गेहूं, संतरा व मौसम्बी उत्पादक किसानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। धारनी व तिवसा तहसील में कल शनिवार को अकाली बारिश हुई। अचलपुर तहसील के मल्हारा, वज्जर, बुरड़घाट, कालवीट,
मसोना, गौरखेड़ा, कुंभी, नर्सरी, धामनगावगढ़ी, एकलासपुर, धोतरखेड़ा समेत समीप के परिसर में लगभग 20 मिनट तक ओले गिरे। इस बीच आज रविवार को दोपहर चिकलधारा तहसील में आधा घंटा बारिश हुई। इसके साथ ही जबरदस्त ओलावृष्टि होने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों से अमरावती जिले के चांदूर बाजार, अचलपुर, अमरावती, मुर्शी, चिकलदरा, धारणी, दरियापुर, नांदगांव, खंडेश्वर, धामनगांव रेलवे, चांदूर रेलवे तहसील में अनेक हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आज सांसद नवनीत राणा ने ओलावृष्टि क्षेत्र को भेंट देकर वहाँ के खेती के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में किसानों से भेंट कर उनकी समस्याएं जान ली। मनसुख हिरेन मृत्यु मामला और मातोश्री के करीबी सचिन वाजे का सहभाग व परमवीर सिंह के हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के टारगेट को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा देना चाहिए। परमवीर सिंह की चिट्ठी के मामले से भ्रष्ट ठाकरे सरकार ने राज्य की प्रतिमा मलिन कर दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा इसकी विस्तृत जाँच करनी चाहिए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा सचिन वाजे के नार्को टेस्ट करने चाहिए। इस तरह की मांग विधायक रवि राणा ने केंद्र सरकार से की है। यहां जारी प्रेस बयान में विधायक राणा ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा की गई शिकायत के चलते ठाकरे सरकार की प्रतिमा मलिन हो चुकी है और जनता का राज्य सरकार पर से विश्वास उड़ चुका है। राज्य के कानून व सुव्यवस्था खतरे में आ चुकी है। इस कारण मुख्यमंत्री ने कम से कम फेसबुक लाइव द्वारा इस बाबत अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और जनता के मन में क्या संदेह है वह दूर करना चाहिए। महाराष्ट्र में हिरेन की हत्या हुई, उसके बाद सचिन ओझे को एनआईए ने अरेस्ट किया, उसके बाद माजी पुलिस आयुक्त मुंबई के परमवीर सिंह इन्होंने जो चिट्ठी में कल स्पष्ट किया कि किस तरह से ये आघाड़ी सरकार, ठाकरे सरकार जिस टाइम से सरकारें बैठी उस टाइम से ही इस सरकार का मंशा ही है पैसे जमा करना, करप्शन करना, और उस करप्शन के आधार पे जिस पद्धति से हिरेन की हत्या हुई, आज सचिन ओझे जैसा पुलिस अधिकारी जो इस प्रकरण में पूरा इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री के करीबी माना जाता है, मुख्यमंत्री के मातोश्री बंगले के करीबी नाना माना जाता है, और उस व्यक्ति के माध्यम से आज जो 100 करोड़ रुपए की डिमांड जिस पद्धति से परमवीर सिंह ने बताया, मुझे लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज पुलिस विभाग के माध्यम से तो बदलाव हुई है पर सरकार की जो नीति है, सरकार जो यहाँ काम कर रही है पूरी भ्रष्ट सरकार है और पूरी तरह से असफल सरकार हुई है। और मैं मांग करता हूँ केंद्रीय एजेंसी से, जिस तरह से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जनता जानना चाहती है इस प्रकरण के अंदर मुख्यमंत्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस प्रकरण के अंदर परमवीर सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस प्रकरण के अंदर सचिन ओझे का क्या इन्वॉल्वमेंट है। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए, पूरा तपास केंद्रीय एजेंसी से करना चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसी तरह माजी पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और सचिन ओझे की भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थिति आज पूरे राज्य में आज पुलिस विभाग के अंदर, पुलिस विभाग के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है और केंद्र ने पूरा हस्तक्षेप करके इसका दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। यवतमाल जिले की वनी तहसील के कायर निकट रहने वाले चेंटकापुर गांव में एक ही दिन 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे उन्हें अस्पताल में दाखिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का दल गांव में तो पहुंचा, लेकिन कोरोना बाधित मरीजों ने इलाज लेने से इनकार कर दिया और वहां राड़ा खड़ा किया। इस समय स्वास्थ्य दल व पॉजिटिव मरीजों में अच्छा खासा हंगामा हुआ, जिससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल निर्माण हुआ था। वर्धा जिले के सेलू तहसील के केलसर समीप के पीर बाबा टेकड़ी के पास एक 4 वर्षीय बाघ की लाश पानी में पाई गई, जिससे परिसर में सनसनी मची हुई है। इस संदर्भ में जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने भी घटनास्थल पहुंचकर बाघ का शव ताबे में लिया। संबंधितों ने बारकाई से मुआयना किया तब
वह बाघिन रहने के बाद निदर्शन में आई। विद्युत प्रवाह संचारित तार का स्पर्श होने से बाघ की मौत हुई होगी, ऐसा प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने शहरवासियों को शहर में सक्रिय चोरों के एक गिरोह से अलर्ट रहने हेतु सावधान किया है। गाड़गे नगर पुलिस ने आज कुछ सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करते हुए लोगों को सचेत किया है कि चाबी बनाकर देने के नाम पर घर में प्रवेश कर चोर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले गाड़गे नगर थाना क्षेत्र के दिनेश मनोजा के घर इसी प्रकार की चोरी हुई और इस घटना की पुनरावृत्ति बाद में भुसावल में हुई। पुलिस ने इन चोरों की पहचान के लिए कुछ फोटो भी सार्वजनिक किए हैं। दरियापुर तहसील के खुरमाबाद गांव में खेत से थ्रेशर सामग्री चुरा कर ले जाने वाले चोरों को कल शनिवार को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने हिरासत में लिया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार खुरमाबाद गांव के किसान राजेश गोनचोर ने खल्लार थाने में जाकर थ्रेशर मशीन की सामग्री चुरा कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी दौरान ग्रामीण अपराध शाखा की टीम खल्लार थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। पता चला कि खुरमाबाद में रहने वाला हर्षल मुरुमकार व उसके साथियों ने किसान राजेश गोनचर के खेत से थ्रेशर सामग्री पर हादसा किया है और वह फिलहाल अकोट में गेहूँ की कटाई कर रहा है, जिसके बाद अपराध शाखा पुलिस ने अकोट तहसील के बोरी गांव में जाकर हर्षल मुरुमकार को हिरासत में लिया है। गुरुवार में उसने टालमटोल जवाब दिए, लेकिन जब उसे पुलिस का रंग दिखाया गया तो उसने अपने साथियों के साथ थ्रेशर सामग्री चुराने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने हर्षल मुरुमकार व चंद्रकांत इंगले को हिरासत में लेकर चोरी की गई थ्रेशर की सामग्री व अपराध में उपयोग में लाया गया वाहन कुल 569,000 रुपये का माल जब्त किया है। दोनों आरोपियों को खल्लार पुलिस के हवाले किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।